नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। जीवन में सुख है तो यकीनन दुख भी आते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये अच्छा और बुरा वक्त आने से पहले हमें संकेत जरूर मिलते हैं। जानकारी के अभाव में अक्सर व्यक्ति इन संकेतों को समझ ही नहीं पाता और उन्हें स्वीकार नहीं करता है। वास्तुशास्त्र, स्वपन शास्त्र, यहाँ तक की आचार्य चाणक्य ने भी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो बुरे समय का इशारा करती है। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो कई आने वाली आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार क्या है बुरे समय के संकेत। पहला है ग्रह क्लेश। परिवार के बीच मनमुटाव होते रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कभी लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, लेकिन घर में रोज का विवाद होना अच्छा नहीं माना जाता। जिस घर में रोज क्लेश होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। चाणक्य के मुताबिक ये संकेत है आर्थिक पक्ष कमजोर होने का। घर में नकारात्मकता होने से व्यक्ति को मानसिक रोग से घिर सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों का अपमान। जहाँ बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है उस घर की बसत चली जाती है। सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। बुजुर्गों के प्रति बुरा आचरण घर में विनाश का संकेत होता है। चाणक्य के अनुसार जिसका खामियाज जाता है पीढ़ियों तक प्रभाव पड़ सकता है। तुलसी। हरी भरी तुलसी का घर में होना सुख की और खुशहाल जीवन की निशानी है, लेकिन अगर तुलसी सीखने लगे या कोई भयानक घटना फिर व्यतीत होने का तरफ इशारा करती है। चाणक्य के अनुसार ऐसे में आपके आर्थिक संकट से भी दूर पड़ सकता है। इसके अलावा शिष्य का टूटना। शिष्य टूटना आम बात है, लेकिन अगर ये घटना घर में अक्सर हो रही है तो ये अच्छी चक्र देता है। चाणक्य कहते हैं कि घर में टूटे कान से तनिकुलता आती है। अगर आपके घर में ये संकेत या आपको भी ऐसे कोई संकेत हो तो आपने इनसे निदान करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज को देख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।